बॉलीवुड का सदाबहार अभिनेता अब हमारे बीच नहीं रहा। बॉलीवुड में छाया मातम। दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता है जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। त्रासद या दुखद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। उन्हें भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया है। स्वर्गीय दिलीप कुमार जी का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में लाला गुलाम के यहाँ हुआ था। उनके 12 भाई बहन थे। उनके पिता फल बेचा करते थे और अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए से देकर जीवन यापन करते थे। दिलीप कुमार जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई नासिक के पास के किसी स्कूल से की थी। 1930 में इनका पूरा परिवार बॉम्बे में रहने लगा। 1940 में अपने पिता से मतभेद के चलते उन्होंने मुंबई वाले घर को छोड़ दिया और पुणे चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात एक कैप्टन के मालिक ताज मोहम्मद शाह से हुई, जिनकी मदद से उन्होंने आर्मी क्लब में एक सैंडविच का स्टॉल लगा लिया। दिलीप कुमार के जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। उनका जन्म पेशावर अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता मुंबई आ बसे थे, जहां उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर दिया ताकि उन्हें हिंदी फिल्मों से ज़्यादा पहचान और सफलता मिले। सुखद सीन में अपनी मार्मिक एक्टिंग से सबके दिल को छू लेने की वजह से इन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। जन्म से उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। हिंदी सिनेमा में आने के बाद इन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया। दिलीप कुमार जी एक प्रतिष्ठित अभिनेता हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में 5 दशक की लंबी पारी खेली है। भारतीय सिनेमा के गोल्डन एरा के समय ये एक अग्रिम अभिनेता रहे हैं। दिलीप कुमार जी को एक्टिंग करने का मौका भी किस्मत से मिला था। उस समय वे एक कैंटीन चलाया करते थे। वहां एक्ट्रेस देविका रानी गई, जिन्होंने उन्हें देखकर फिल्मों में काम करने का मौका दे डाला। अपनी पहली फिल्म ना चलने के बावजूद इन्होंने जल्द ही खुद को उस दशक के अंत तक भावनात्मक अभिनेता के रूप में स्थापित कर लिया था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिलीप जी एक ही तीव्रता व प्रभाव के साथ अलग अलग तरह के किरदार बड़ी आसानी से निभा लेते थे। जोगन, दीदार व देवदास जैसे फिल्मों के बाद ही इन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम दिया गया था। दिलीप कुमार जी पहले भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1942 में वे अपने पिता और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ करना चाहते थे। तभी उनकी मुलाकात चर्च गेट पर डॉक्टर मसानी से हुई, जिन्होंने कुमार को बॉम्बे टॉकीज मलाड में उनके साथ आने को कहा। बॉम्बे टॉकीज में उनकी मुलाकात अभिनेत्री देविका रानी से हुई, जो बॉम्बे टॉकीज की मालिक थी। उन्होंने कुमार को 1250 रुपये सालाना देने का सौदा करते हुए साइन कर लिया था। वहीं उनकी मुलाकात कलाकार अशोक कुमार से हुई, जो कुमार के अभिनय से काफ़ी प्रभावित हुए थे।